दोस्तों ये आ गए हम शहर के बीच के जो व्यस्त मार्ग हैं उनमें से, और जहाँ पे ट्रैफिक होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अभी जैसे हमें सीधी रोड पे जाना है तो हम बीच वाले ही में रहेंगे। अगर हमें दाहिने या बाएं जाना है तो अब हम सिग्नल से पहले ही अपना रास्ता बदल लेंगे। याद रखें, सिग्नल से पहले ही। पहले क्या था ना, अगर हम बीच में हैं तो दाहिने बाएं जा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। देखिए, दाहिने तरफ से जो रास्ता गया है वो खाली पड़ा है, उस पर गाड़ियाँ नहीं हैं। देख रहे हैं, पहले क्या था कि गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती थी और कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर इस रास्ते को ब्लॉक करोगे, जाके आगे खड़े हो जाओगे, तो फिर मुश्किल है। क्योंकि यहाँ से ये सिग्नल से, याद रखो, ये सिग्नल से दाहिनी तरफ जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेड लाइट है, फिर भी आप दाहिनी तरफ जाओगे। और जिस सिग्नल पे रेड लाइट दाहिने तरफ रास्ता जाने के लिए पहले से दिया है और रेड लाइट है, अगर वहाँ से आप घूमोगे रेड लाइट पे दाहिनी तरफ, तो कैमरा चलेगा, जुर्माना आएगा। ठीक है जी, इतना याद रखना, हमेशा छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझ लेना, ताकि आपको जो है कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि एक छोटी सी गलती ना बड़ा नुकसान कर देती है। जैसे कि अभी सिग्नल खुल चुका है, देखिए जिस टाइम पे सिग्नल बंद होता है ना, तो 3 बार हरी बत्ती जलती बुझती है। वो समय पे आपको कितनी दूरी है सिग्नल से, ठीक है, अगर मतलब 5-10 मीटर पे हैं तो आप जा सकते हैं, अगर ज़्यादा दूरी पे हैं तो आप जाए नहीं। अपनी गाड़ी के चारों इंडिकेटर लगा दें, ताकि पीछे से जो आ रहा वो भी सतर्क हो जाए कि गाड़ी रुकने वाली है। ठीक है, ये देखिए, और ये जो पीली पीली पट्टियाँ बनी है ना, ये पट्टियों का महत्व है कि अगर दूसरी तरफ से सिग्नल कोई खुला है और जाम लगा हुआ है, गाड़ी निकल नहीं पा रही है, और हमारा भी सिग्नल खुल गया, तो हमको उस पर फिर नहीं जाना है जब तक वो गाड़ियाँ निकल नहीं जाएंगी। वो भी अगर ऐसा है तो वो खिलाफ अर्जी, मतलब हम गलत काम कर रहे हैं। देखिए, अभी ये सिग्नल खुला है, याद रखें जो लिमिट है जिसे 80 की है, तो आपकी स्पीड 60 होनी चाहिए सिग्नल पे क्रॉस करते समय, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, स्पीड कम होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। ज़्यादातर क्या होता है ना, जैसे शहर के बाहर से कोई रास्ता अपने मतलब जहाँ जाना है, तो लोग वही रास्ता निकाल लेते हैं, सिग्नल के अंदर वाला रास्ता नहीं पकड़ते हैं, जिससे कि कोई भूल चूक ना हो जाए, कोई धोखा ना हो जाए, जुर्माना लग जाए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। देखिए, आगे फिर एक सिग्नल है और रेड सिग्नल है, यहाँ से हमको दाहिने जाना है, तो हम सिग्नल दे देते हैं, दाहिने आ गए। अब देखिए, जिसे दाहिने जाना है वही इस रास्ते पे आएगा, और यहाँ से दूसरा जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, बाकी जिस गाड़ी को सीधा जाना है वो जाके लाइन में लगा हुआ है। अब यहाँ पे आके देखो, गाड़ी को रुकना जरूरी है, लाजिम है, यहाँ पे आके रुको जरूर, 2-3 सेकंड गाड़ी को स्टॉप दो, उसके बाद में फिर आगे जाओ। हर कोई यही करता है। अगर रुके नहीं, कंटिन्यू चले गए, तो हो सकता है आपको कैमरा लग जाए, हो सकता है कैमरा चल जाए, तो वो कंडीशन में फिर परेशानी वाली बात हो जाएगी। अपनी लाइन में आगे किनारे से किनारे। ठीक है, इतनी चीजें आपको ज्यादातर अच्छे से समझ लेनी है। अब हमको सीधे जाना है, तो हम ये किनारे वाला रास्ता भी छोड़ देंगे, बीच में आ जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, एक क्रॉसिंग है, पैदल चलने के लिए क्रॉसिंग है, उसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए छोटे से ही वीडियो में। ठीक है, जैसे ये पैदल चलने के लिए क्रॉसिंग है, देखिए सिंबल बना हुआ था यहाँ पे आपको किसी दूसरी गाड़ी के साथ में ओवरटेक नहीं करना है। मतलब जैसे कोई गाड़ी आके खड़ी है, उधर से आदमी निकल रहा है दूसरी तरफ से, तो आप सोचो वो तो उधर किनारे है और हम इधर निकल के जा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करो। अगर आदमी है, निकल रहा है, तो गाड़ी पहले से खड़ी है, तो आप नहीं, आप भी खड़े हो जाओ। एक और सिग्नल है, देखिए आगे,
को ग्रीन बत्ती के साथ में पीली बत्ती हुई, सिग्नल बंद हो गया। अक्सर लोग क्या करते हैं, करते क्या है, धोखा हो जाता है कि जो हरी बत्ती है वो जैसे जलती है तो सोचते हैं हम निकल जाएंगे, ठीक है, 10 मीटर 20 मीटर या 50 मीटर की दूरी से सोचते हैं हमारी गाड़ी स्पीड में हम निकल जाएंगे। ऐसा करने से पता है क्या हो जाता है, अगर आप नहीं निकल पाए फिर पीली बत्ती हो जाएगी, और अगर आपने अचानक ब्रेक मारी तो हो सकता है पीछे कोई दूसरा आके आपके साथ में एक्सीडेंट कर दे, या आपसे कोई नुकसान हो जाए या और किसी से हो जाए। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना है। जब भी अगर हरी बत्ती सिग्नल बंद होने लगता है, वो समय पे अगर आप नहीं क्रॉस कर पाए, ठीक है, और स्पीड में हो, गाड़ी रोकनी है, तो चारों इंडिकेटर जरूर लगाना फट से उसी टाइम में, ताकि पीछे से जो आ रहा है वो समझ जाए कि ये गाड़ी रुकेगी, फिर उसको जिधर जाना होगा वो अपना लाइन बदल लेगा या अपनी स्पीड कम कर लेगा। ऐसे क्या होगा ना कि जैसे जिस किसी का एक बार दो बार जुर्माना आ जाता है, तो वो हरी बत्ती जब जलने बुझने लगती ना, तो वो पहले ही रुकने लगता है कि पार होंगे नहीं होंगे हम रिस्क नहीं लेंगे, हम रुक जाएंगे। ऐसे में क्या होता है ना, जो दूसरा बंदा पीछे स्पीड से आ रहा है ना, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। जब आप इंडिकेटर दे दोगे चारों, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि इसको रुकना है, तो उसको अगर निकलना होगा तो वो अपना रास्ता बदल लेगा। अब उसको नुकसान हुए, जुर्माना आए, कैमरा चले न चले चले, वो उसके ऊपर है। बाकी आपको इतनी जो है इन्फॉर्मेशन दे देनी है सिग्नल जला के कि हमको रुकना है, ठीक है भाई, ये बात समझ लीजिए। अब आगे एक और सिग्नल है, देखिए, देखो शहर के अंदर जिसको जाना है, अब हम शहर के बाहर आ चुके हैं, ठीक है, शहर के अंदर जिसको जाना है वो सिग्नल दिया हुआ है, वो अंदर जा सकता है, जिसको बाहर सीधे रास्ते जाना है वो सीधे रास्ता चला जाए अपना। दोस्तों इस रास्ते को ध्यान से देखो, बड़ी छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे समझना। देखो चार लाइन का ये रास्ता है, ठीक है ना, और यहाँ पे जिसको बाएं तरफ जाना है या यू टर्न आ रहा है उसके लिए, ये देखिए ये लास्ट वाली जो है दाहिने तरफ बाएं तरफ की जो पट्टी है, यहाँ से आगे से दो रास्ते और हट जाएंगे, इस जगह आपको ध्यान देना है। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात होती है, ये देखिए यहाँ से दो रास्ते और निकल गए, मतलब जिसको बाएं जाना है और जिसको वापस आना है वो वहां जाएगा। अब देखिए हमारे बगल में एक ये बाएं तरफ ये रास्ता है, ये रास्ता ध्यान दीजिए, जो भी गाड़ी देखो आएगी इस लाइन पे खड़ी हो जाएगी, ये रास्ता है एक तरह से इमरजेंसी के लिए, ठीक है, इस रास्ते पे नहीं आना है। अभी जब नियम चेंज हुए हैं तो बहुत से लोग जिस लाइन में हम हैं ना, इसी लाइन में पूरी गाड़ी की लाइन लग जाती है, पीछे बगल वाली लाइन खाली ही रह जाती है, क्योंकि जैसे कि कहीं अस्पताल है अगल बगल तो, या कोई सरकारी कार्यालय है बड़ा, तो जो अधिकारी निकलते हैं, तो ट्रैफिक की वजह से किसी भी वजह से ये रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए इमरजेंसी के लिए भी, क्योंकि अगर जैसे लाइट बंद है और एम्बुलेंस आई है तो उसको सिग्नल से मतलब नहीं, वो गाड़ी जाएगी, ठीक है, जो इमरजेंसी होती है, जिन लोगों के जो ज़रूरत के हिसाब से है वो लोग के लिए, तो ये रास्ता एक तरह से निश्चित होता है, तो इस रास्ते पे नहीं चलना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम और आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए अब जैसे हमें बाईं तरफ जाना है या यू टर्न आना है, वापस आना है, तो हम वापस आ रहे हैं, देखिए अब यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए वो रास्ते अलग हो गए, ये रास्ते अलग हो गए। अब जिसको यू टर्न आना है वो इस लाइन में रहेगा जिसमें हम खाएं, देखिए इसमें निशान बना हुआ है यू टर्न का, और बगल वाला लेफ्ट का निशान बना हुआ है, ठीक है, और सामने सफ़ेद पट्टी है, वो सफ़ेद पट्टी को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो कैमरा लग जाएगा। वहाँ आगे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, यहीं पे सफ़ेद पट्टी जो बनी है इसी पट्टी को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि जो सेंसर काम करता है वो यहीं से काम करता है, इसके आगे अगर गाड़ी जाएगी तो कैमरा चल सकता है।